हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, जो कि आप यूज कर सकते हैं शॉक के अंदर, कार्डियक अरेस्ट के अंदर, या फिर किसी भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर। एंड दिस इज द ओनली ड्रग जिसको आप यूज कर सकते हैं इन कंडीशन ऑफ शॉक। लाइक ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा शॉक का आपका? एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनेलिन होता है। तो एड्रीनेलिन का दूसरा नाम क्या होगा? एपिनेफ्रिन होगा। अमेरिका में इसको एड्रेनालिन बोला जाता है, ब्रिटेन में इसको एपिनेफ्रिन बोला जाता है, एंड मार्केट में एपिनेफ्रिन के नाम से आता है आपको। तो एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का दूसरा नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। एंड इसका जो फॉर्मुलेशन होता है वो अराउंड आता है 1 mg/ml के नाम से आता है। 1 mg/ml, 1 mg/ml मतलब अगर आप 1 ml इंजेक्शन के अंदर भरते हैं एंड किसी भी एनिमल को लगाते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर 1 mg क्या जाने वाला है? एड्रेनालिन जाने वाला है। मतलब 1 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? 1 mg एड्रेनालिन होने वाला है। सो एड्रेनालिन सबसे पहले कौन सी क्लास का ड्रग होता है? अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एड्रेनालिन। हम इसके पहले क्लास को समझेंगे, फिर मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर यूजेस को समझेंगे, फिर इसके साइड इफेक्ट्स पर आ जाएंगे, ठीक है? तो कौन सी क्लास का ड्रग होता है? ये होता है आपका ANS का ड्रग। ANS इज बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हम ऑलरेडी एक ड्रग डिस्कस कर चुके हैं, विच इज योर एट्रोपीन। एट्रोपीन क्या होता है? आपका ब्लॉकर होता है किसका? कोलिनर्जिक सिस्टम का। ANS के आपके दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड वन इज योर पैरासिंपैथेटिक। सो हमने एक सिस्टम पढ़ लिया जो कि होता था आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड उसको एक ड्रग ब्लॉक करता था जिसका नाम था आपका एट्रोपीन। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है आपका एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन रिलेटेड होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एट्रोपीन क्या करता था? पैरासिंपैथेटिक को ब्लॉक करता था। ऑन दी अदर हैंड आपका एड्रेनालिन क्या करेगा? सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करेगा, इसको एक्साइट करेगा, ठीक है? तो एड्रेनालिन क्या है? सिंपैथो माइमेटिक। माइमेटिक मतलब होता है जो उसकी कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। अभी हमारा जो है बेसिक सा अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। क्या होता है एड्रेनालिन? क्या होता है? ANS का ड्रग होता है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड इसका क्या क्या एक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो हम समझ लेते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके सामने कोई शेर आ गया, उस कंडीशन में जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जो रिएक्ट करती है, उसके अंदर आपका जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। या फिर मान लीजिए कि किसी भी कैटल के अंदर, किसी भी एनिमल के ब्लड के अंदर क्या आ गया? इन्फेक्शन क्रिएट हो गया एंड बहुत ज्यादा क्या हो गया? सेप्सिस हो गया, बैक्टीरिया सेप्सिस हो गया। वो कंडीशन क्या है उस कैटल के लिए? अनफेवरेबल है, मतलब वो फेवरेबल नहीं है। एंड उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? कैटल शॉक के अंदर जाने लगता है। एंड जैसे ही शॉक के अंदर जाने लगेगा, उस शॉक से बचने के लिए क्या होता है आपका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? तो शॉक को प्रिवेंट करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना चाहिए। बट अगर कैटल शॉक के अंदर चला जाता है, इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग जो है इसको बाहर से एक्टिवेट करते हैं एड्रेनालिन इंजेक्ट करके। So, एड्रेनालिन क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा देता है एंड शॉक की कंडीशन को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड एनिमल क्या कर जाता है? रिकवर कर जाता है। तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग एड्रेनालिन फॉर। हम इसको सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या कराएगा? अब आप खुद सोचिए, आप एक जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया। खुद आपको सोचना है। आज हम ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है? आप जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? वहां से भागेंगे, ठीक है? तो भागने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? आपकी ग्लूकोज से आती है। तो ब्लड के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएंगे। सो ब्लड के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा बाय इंजेक्टिंग एड्रेनालिन, ठीक है? एक बात आपको समझ आ गई। तब शेर आ गया आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? आप जो है भागेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या होगा? आपका जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी मसल्स हैं उनको क्या चाहिए? अभी ब्लड चाहिए। मसल्स क्या कर रही हैं? बहुत तेज से भाग रहे हैं। मसल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ब्लड चाहिए। उस ब्लड को पंप करने के लिए क्या चाहिए? आपका हार्ट। सो हार्ट रेट विल गो अप। हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डायरेक्टली क्या बढ़ जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो ब्लड प्रेशर या फिर बीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूबी से जिसको लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? अब आप मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, तो आप क्या पेशाब करेंगे या आप पेशाब रोककर खड़े रहेंगे? आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है कि आप पेशाब रोक के खड़े रहेंगे, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है रिलैक्स हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। एंड यूरिनरी स्फिंक्टर, स्फिंक्टर वो होता है जो कि
यूरिथ्रा के ऊपर लगा होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के बीच में एक जंक्शन होता है, एंड इसको क्या करता है, पकड़ के रखता है, इसको दबा कर रखता है। तो क्या होगा, ये और ज्यादा दब जाएगा, मतलब स्फिंक्टर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस वजह से यूरिन ना निकलना शुरू हो जाए, मतलब आप शेर को देखकर पेशाब ना करने लगे। सो यू डोंट यूरिनेट ऑन सीइंग अ टाइगर, दिस इज व्हाई आपका क्या होगा, ब्लैडर तो रिलैक्स हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, एंड स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यूरिनेशन का रिफ्लेक्स जो है कम हो जाएगा, आप पेशाब नहीं करेंगे शेर को देखकर। उसके बाद क्या होगा, आपकी मसल्स कई बार होता है कि आप कांपना शुरू कर देते हैं, जब भी आपको डर लगता है आप कांपना शुरू कर देते हैं, उस कांपने को क्या बोलते हैं, ट्रेमर्स, ट्रेमर्स, ट्रेमर्स। ठीक है, तो ट्रेमर्स अलग होता है, सीजर अलग होता है, सीजर्स भी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कांपते हैं। सीजर जो होता है आपका सीएनएस कंट्रोल करता है, सीएनएस के अंदर दिक्कत आती है, जिस वजह से क्या होता है, सीजर आता है पूरी बॉडी पर। एंड ट्रेमर इज बेसिकली आपका जो मसल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मसल फाइबर्स का ड्यू टू एड्रीनेलिन। तो ये मसल का क्या होगा, ट्रेमर होगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अब आपके सामने शेर आ गया तो आपको क्या चाहिए, आप हांफने लगते हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा तेज रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, तो इसका मतलब आपका जो ब्रोंकस है, आपका जो नीचे जो ट्रेकिया से जो डिवाइड होता है, जो लंग्स के अंदर जाता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ज्यादा क्या जानी चाहिए, हवा जानी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन जानी चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन जाने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा डायमीटर होना चाहिए। अगर पाइप ज्यादा खुला होगा तो क्या होगा, ज्यादा हवा जा पाएगी। अगर पाइप कम खुला होगा तो क्या होगा, हवा कम जा पाएगी। तो खुद सोचिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस कंडीशन में आपके ब्रोंकस को, आपके ब्रोंक्यूल को खोलेगा या कम कर देगा डायमीटर। सीधी सी बातें क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराएगा, लंग्स का ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन मतलब ब्रोंकस का डायमीटर बढ़ जाएगा, जिससे कि लंग्स को जो है और ज्यादा ऑक्सीजन मिले, एंड आप ऑक्सीजन यूज हो सके बॉडी के अंदर, एंड आप और तेज तेज भाग सके। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्वेटिंग। तो जब भी आपके आगे शेर आएगा, कोई आएगा, तो आप क्या करेंगे, स्वेट करना शुरू कर देंगे, आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके साथ हम जीआईटी के बारे में बात कर लेते हैं। जीआईटी इज बेसिकली फ्रॉम योर ईसोफेगस टू योर एनस, जो आपका पूरा एक ट्रैक्ट रन करता है, जो एक पाइपलाइन रन करती है, इसको क्या बोला जाता है, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एक रास्ता जो कि मुंह से शुरू होता है एंड एनस पर खत्म होता है। ओके, दिस इज योर जीआईटी। अब आप खुद सोचिए, आपको अगर भागना है तो आप सारी एनर्जी कहां लगाएंगे, भागने में लगाएंगे, और एनर्जी कहां पर खर्च होती है, खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर। तो उस टाइम पे बॉडी खाना डाइजेस्ट करेगी या आपको भगाएगी, खाना तो बाद में भी डाइजेस्ट हो सकता है ना, तो बॉडी क्या करेगी, आपको भगाएगी। तो जीआईटी क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। अगर जीआईटी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इसका मतलब डाइजेशन प्रॉपर चल रहा है। अगर जीआईटी रिलैक्स है, इसका मतलब डाइजेशन अभी के लिए रोक दिया गया है, कि यार तुम घर जाकर आराम से डाइजेशन करना, अभी तुम भाग लो, ठीक है, एनर्जी वेस्ट नहीं करते यहां पर। तो दिस इज योर जीआईटी। जीआईटी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। हमने तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसका मतलब डायरिया लाइक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ओके, तो दिस इज अबाउट द फंक्शन या फिर इफेक्ट ऑफ योर एड्रेनालिन, या फिर मैं कहूं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये इफेक्ट हैं अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग अलग ऑर्गन्स पे कैसे कैसे काम करते हैं हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे थे एड्रेनालिन की, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी फार्माकोलॉजी के ऊपर। दिस इज योर फिजियोलॉजी। ओके, अब हम आते हैं ड्रग के ऊपर, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा है, इसका क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो इसका मतलब ये सारे के सारे इफेक्ट दिखेंगे जो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर दिख रहे थे, मतलब एड्रेनालिन इन्हीं फंक्शंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब एक आपके नॉलेज के लिए, फैक्ट के लिए बता देता हूं कि एड्रेनालिन जो काम करता है वो अलग अलग रिसेप्टर पर काम करता है। जैसे हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन, जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करता था। ऑन दी अदर हैंड, आपका जो एड्रेनालिन है वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर काम करता है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आपके दो टाइप के ब्रॉडली क्लासिफाई करें आप उसको, अल्फा एंड बीटा। फिर फर्दर जो है दो दो के अंदर बढ़ जाते हैं, या फिर तीन के अंदर, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। ठीक है, तो आज हमारे जो काम के हैं वो है आपके अल्फा वन, बीटा टू, बस ये दोनों जो है आज आपके काम के रहने वाले हैं। इससे आपको लगभग सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, अल्फा टू के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता दूंगा क्या होता है।
जो मेन चीज हमें समझ नहीं है आज की क्लास के अंदर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं इन रिसेप्टर को इसके अंदर जोड़ता चला जाऊंगा, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर क्या होते हैं आपके बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं, तो हार्ट के ऊपर जैसे बीटा वन रिसेप्टर है एड्रेनलिन आया क्या होगा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आपके लंग्स के अंदर कौन से होते हैं बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब लंग्स के अंदर क्या होगा डायलेशन हो जाएगा, ब्रोंकियो डायलेशन हो जाएगा ड्यू टू बीटा टू रिसेप्टर्स। आपका जो ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर प्रॉपरली आपने किसी और कैटल के अंदर अगर लाइक कोई कैटल जिसको आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर पे हम कभी और बात करेंगे, अगर आपने उसको एड्रेनलिन दे दिया तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको बोला जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस व्हेन ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू हाई, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस या फिर हाइपरटेंशन, एक्सेसिव ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये कंडीशन देखी जाएगी अगर आपने एड्रेनलिन उस कैटल या फिर पेशेंट के अंदर लगा दिया जिसके अंदर ऑलरेडी बीटा ब्लॉकर दे रखा है। अब समझना ये है कि क्यों, हर चीज के पीछे का लॉजिक होता है क्यों, व्हाई। द रीजन इज दैट ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल होता है, एड्रेनलिन जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वो कैसे बढ़ाता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको पहले ब्लड का पता होना चाहिए, ब्लड कहां होता है आपका, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर के ब्लड कहां पर है आपका, ब्लड वेसल्स के अंदर है। अब ब्लड वेसल जो है अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग होती है, कुछ ब्लड वेसल जो मसल के लिए जाती हैं, कुछ ब्लड वेसल जो स्टमक के लिए आती हैं, कुछ ब्लड वेसल जो हार्ट के लिए आती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स पर आपके दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो एड्रेनर्जिक सिस्टम प्रोवाइड करता है, वन इज योर अल्फा वन एंड अदर इज योर बीटा टू। अल्फा वन और बीटा टू दो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं। जब भी अल्फा वन स्टिमुलेट होगा वो क्या कराएगा, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करा देगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट देखना है तो आप शॉक वाली क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने समझाया है कि हाउ इज ब्लड प्रेशर अफेक्टेड बाय वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन, ठीक है। तो अल्फा वन क्या कराएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, एंड बीटा टू क्या कराएगा, वेसो डायलेशन, मतलब डायमीटर क्या होगा ब्लड वेसल का बढ़ जाएगा। तो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। That's the funda, ये आपको पता होना चाहिए। अब एड्रेनलिन अपना अल्फा वन पे भी काम करता है, अल्फा टू पे भी काम करता है, बीटा वन पे भी काम करता है, बीटा टू पे भी काम करता है। अब सर आप बोलेंगे कि यार यहां तो दिक्कत आ गई, या तो मैंने गलत पढ़ा दिया है आपको या फिर कुछ और चीज जो बतानी रह गई है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा वन भी स्टिमुलेट होगा, अल्फा बीटा टू भी स्टिमुलेट होगा, और दोनों के दोनों किस पर होते हैं, ब्लड वेसल्स पर होते हैं। तो या तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा या वेसो डायलेशन होगा, या तो कोई ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ेगा या फिर किसी ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक टाइम पे वेसो कंस्ट्रिक्शन भी हो गया, वेसो डायलेशन भी हो गया, इसका मतलब मैंने आपको गलत बताया है। मैंने आपको गलत नहीं बताया, मैंने आपको अधूरी चीज बताई है। वो क्या चीज है, आपका जो अल्फा वन रिसेप्टर्स होता है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है आपके स्टमक की ब्लड वेसल्स के ऊपर, इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स के ऊपर, एंड जितना भी आपका पेरिटोनियल ऑर्गन्स है इनकी ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होगा आपका अल्फा वन रिसेप्टर्स। So I'm writing here कि alpha 1 receptors are dominating, मतलब बहुत ज्यादा कहां पर होते हैं, peritoneal organs के ऊपर, peritoneal organs के ऊपर। On the other hand, beta 2 वाले कहां पर होते हैं आपके muscles के ऊपर, muscles के अंदर जो blood vessels जाती हैं उसके अंदर क्या होता है आपका beta 2 receptors होते हैं। अब ये मतलब मैंने आपको ये चीज बता दी, अब इसका significance क्या होगा, मतलब blood pressure कैसे alter होगा, टोटली क्या हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है वो हम देखते हैं। सो होता क्या है, जैसी आपकी बॉडी के अंदर आपको शेर दिख गया, आपको भागना है, तो आपकी मसल को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए तो ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ब्लड का फ्लो बढ़ाना है मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वेसो डायलेशन कराना पड़ेगा, मतलब आपका बीटा टू रिसेप्टर जो कि क्या कराता है, वेसो डायलेशन, जो कि मसल्स के अंदर होता है। अब आपको समझ आ गया, अब आप खुद लिंक करिए, मसल्स के अंदर बीटा टू रिसेप्टर्स होता है, मतलब मसल्स की ब्लड वेसल्स के ऊपर बीटा टू रिसेप्टर्स होता है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो क्या होता है, बीटा टू रिसेप्टर वेसो डायलेशन करा देता है, एंड मसल्स को क्या होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। दिस इज क्लियर। और जब आपके अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, सो यू डोंट नीड ब्लड इन योर पेरिटोनियल कैविटी, आपको जरूरत नहीं है कि आपका खाना डाइजेस्ट हो अभी, आप वो काम बाद में भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, ब्लड वहां पर कम पहुंचाया जाता है। तो अल्फा वन रिसेप्टर क्या कराता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देता है, एंड ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है टू योर पेरिटोनियल ऑर्गन, लाइक योर स्टमक, लाइक योर इंटेस्टाइन, लाइक योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड। सो ब्लड क्या करेगा,
मसल्स तक बढ़ जाएगा एंड यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड फाइनली क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर यहां पर क्या हो रहा है, मसल्स की तरफ क्या कर रहा है, ब्लड को जो है धकेला जा रहा है। मसल्स के अंदर क्या किया जा रहा है, ब्लड को धकेला जा रहा है, जितना भी खून जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर था उसको सारा का सारा निकालकर मसल्स को दिया जा रहा है। मसल्स कहां पर होती हैं आपकी, पेरिफेरी पे होती हैं, टांगों पर होती हैं, हाथों पर होती हैं, ठीक है, मतलब लिम्स पर होती हैं। तो जो लिम्स पर जो मसल्स हैं जिनको आप यूज करने वाले हैं, वहां पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है। जब भी ब्लड का वॉल्यूम वहां से निकालकर यहां पर बढ़ा दिया जाएगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब वेसो डायलेशन हो रहा है मसल्स के अंदर, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि एक जगह पर क्या हो रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वहां का सारा खून निकाल कर मसल्स के अंदर डाल दिया गया, मतलब मसल्स का क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ब्लड का मसल्स के अंदर। एंड जैसी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसी क्वांटिटी बढ़ जाएगी ब्लड की, क्या होगा, प्रेशर अपने आप ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका। अब हम आते हैं एक सवाल पर जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था कि बीटा ब्लॉकर्स अगर आप दे रहे हैं उसके अंदर अगर आपने एड्रेनलिन लगा दिया तो क्या होगा, बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, मसल्स को क्या कर देंगे, बीटा टू को ब्लॉक कर देंगे। अब मसल्स तक क्या होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, मतलब मसल्स का क्या हो रहा था, वेसो डायलेशन हो रहा था ब्लड वेसल्स का। अब इन ब्लड वेसल्स का क्या होगा, वेसो डायलेशन नहीं होगा, अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पेरिटोनियल कैविटी वाले जितने भी थे, अल्फा वन का क्या होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। जब बहुत ज्यादा वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंड अब ब्लड को जगह नहीं मिल रही मसल्स तक जाने की, दिस विल कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्योंकि ब्लड जो है शिफ्ट नहीं हो पाएगा, मतलब अभी क्या हो रहा था, ब्लड शिफ्ट हो रहा था मसल्स के अंदर, लेकिन आपने बीटा ब्लॉकर देकर इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लड मसल्स तक नहीं जाएगा एंड दिस विल लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस या फिर हाइपरटेंशन हो जाएगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रेमर्स आपको पता ही है, ट्रेमर्स के लिए भी बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मसल्स के ऊपर होते हैं, जो कि ट्रेमर्स कराते हैं। ओके, सो दिस इज आपका मोटा मोटा सा, हमने पढ़ लिया रिसेप्टर्स के बारे में भी एंड व्हाट इज बीटा ब्लॉकर, आपको क्यों नहीं देने हैं। नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ एड्रेनालिन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको यूजेस समझ आनी चाहिए कि क्यों दिया जाता है एपिनेफ्रिन। अब एक कंडीशन आप सपोज करिए, केस सपोज करिए कि अचानक से आपने किसी को लाइक पेनिसिलिन दिया, किसी कैटल को या फिर किसी ह्यूमन को पेनिसिलिन दिया एंड दैट पेशेंट इज गोइंग अंडर शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जाने लगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉक क्या होता है, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है। तो शॉक की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आपके जाके देख सकते हैं, काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया वीडियो पर, ठीक है। तो शॉक, शॉक के अंदर क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल कर जाता है, वेसो डायलेशन हो जाता है कई बार ब्लड वेसल्स का, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि अब प्रॉपरली जो है हार्ट को क्या नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट भी अपना काम करना जो है धीरे धीरे छोड़ देता है। उस कंडीशन में हमारा मेन एम क्या होता है, हमारा मेन एम होता है शॉक को ट्रीट करना। उस शॉक को आप ट्रीट कर सकते हैं अगर आप ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर दें, वापस से आप उसको न्यूट्रल कर दें, नॉर्मल कर दें। वो कंडीशन आप क्या करेंगे, आप उसको एड्रिनलिन देते हैं, आइदर आप उसको आईएम दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिया जाता है एंड वो कंडीशन क्या क्या होती है उस पर मैं भी आऊंगा, ठीक है। आपने उसको एड्रिनलिन दे दिया और एड्रिनलिन आपको कितना देना है वो आपको देखना पड़ेगा, कितना बॉडी वेट एंड ऑल, एंड 1 ml के अंदर क्या होगा, 1 mg एड्रेनालिन आप दे रहे होंगे। ह्यूमंस के अंदर 0.5 mg दिया जाता है बेसिकली, मतलब 0.5 ml दिया जाता है इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट वगैरह, इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। अब जो है आपका, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आपने आपका एड्रेनालिन दे दिया, अब क्या हो रहा था कैटल के अंदर, एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल कर रहा था, तब ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा था तो आपने एड्रेनालिन दे दिया। एड्रेनालिन क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट हो जाएगा क्या होगा, ब्लड वेसल्स का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंड क्या होगा, ब्लड जो है आपका प्रॉपर मसल्स तक जाने लगेगा एंड क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्ट के अंदर जाने लगेगा। हार्ट की जो वेसल्स होती है जिनको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, उनके ऊपर भी क्या होते हैं, B2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो जैसे ही B2 रिसेप्टर पर एड्रेनालिन काम करेगा तो क्या होगा, वेसोडायलेशन हो जाएगा, मतलब और ज्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर, एंड जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा इसका मतलब हार्ट के ऊपर ज्यादा ब्लड जाएगा, जिस वजह से हार्ट दोबारा से काम करना शुरू कर देगा एंड प्रॉपरली पंप करना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज, एड्रेनालिन डायरेक्टली B1 पे एक्ट करेगा और हार्ट रेट को बढ़ाएगा, मतलब हार्ट जो है और अच्छे से जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ब्लड जो है आपका ब्रेन तक जाएगा, जिस वजह से ब्रेन डेथ वगैरह बहुत कम हो जाएगी एंड आप उस
केस को क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, उस एनिमल की जान बच सकती है। सो दैट इज वाई एड्रेनलिन को बोला जाता है लाइफ सेविंग ड्रग। मतलब आप आपका ब्रेन डेथ से पहले अगर आपने इसको दे दिया प्रॉपरली तो क्या हो सकता है, एनिमल शॉक से वापस आ सकता है। क्यों आ सकता है वो मैंने आपको समझा दिया, ब्लड प्रेशर चेंज कर, हार्ट रेट चेंज कर, एंड क्या होता है आपका कोरोनरी आर्टरी पर क्या करता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। नाउ वी कम टू साइड इफेक्ट्स, ये हमारी यूजेस हो गए। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं एड्रेनालिन के, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसके क्या होते हैं, इसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं बेसिकली वो क्या है। अच्छा एक मिनट और, इसका एक यूज और रह गया जो कि है आपका लंग्स से रिलेटेड। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर तो आप देते ही हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर एक चीज और हो रही होती है, वो होती है कि आपका जो ब्रोंकस का जो ब्रोंकल ट्री होता है उसके अंदर क्या होता है, सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो जब आप एड्रेनालिन दे रहे होंगे तो लंग्स के अंदर क्या करा देगा, वो ब्रोंको डायलेशन करा देगा। सो प्रॉपरली जो है एयर वे भी आपका इंटैक्ट हो जाएगा, एयर वे आराम से जो है सांस आराम से जो है एनिमल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करने लगेगा। सो दिस इज वाई आपका जो है लंग्स के ऊपर ब्रोंको डायलेशन कराता है एड्रेनालिन, एंड दिस इज ऑल्सो यूज इन शॉक। ठीक है, ये भी एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो बताना रह गया था। एस्थमा के अंदर भी आप दे सकते हैं एड्रेनालिन को, क्योंकि फिर वही क्या करेगा, लंग्स का क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन कराएगा, एंड एस्थमा का क्या करा देगा, ट्रीट करा देगा। नाउ वी कम टू कॉन्ट्रा इंडिकेट एडवर्स इफेक्ट। सो एडवर्स इफेक्ट जो एड्रेनालिन के वो सारे वही हैं जो उसके यूजेस हैं, बस अगर ये यूजेस बहुत ज्यादा एक्सेप्रेट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो जाए, तो क्या होगा, वो इसके एडवर्स इफेक्ट बन जाएंगे। मतलब यही यूजेस अगर बहुत ज्यादा दिखने लगे तो यही क्या बन जाएंगे, इसके एडवर्स इफेक्ट। लाइक मान लीजिए आपने एड्रेनालिन दिया और बॉडी जो है कांपने लगी बुरी तरह से, मतलब ट्रेमर्स आने लगे, इसका मतलब जो है आपने एड्रेनालिन ज्यादा दे दिया है। ठीक है, आपको पता नहीं था डोज कितनी है और आपने दे दिया तो ट्रेमर्स आने लगेंगे, आपने बहुत ज्यादा दे दिया, हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा हो गया, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया इसका मतलब हार्ट को टाइम ही नहीं मिल रहा पूरा भरने के लिए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेस। इसका मतलब हार्ट को प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, जिस वजह से जो आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा क्योंकि इसका आपने वर्कलोड इतना बढ़ा दिया, हार्ट को बहुत ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है ड्यू टू योर एड्रेनालिन का एडवर्स इफेक्ट, अगर आपने एड्रेनालिन प्रॉपरली नहीं दिया। सो दिस इज योर साइड इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन, या फिर जो एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं एड्रेनालिन के। एंड एड्रेनालिन काफी ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन अब आप इसको किस किस साइड पर देंगे, अलग अलग साइड होती हैं, बट एक साइड जो आप नहीं दे सकते वो होती है ओरल साइड। मतलब आप इसको ओरली दे ही नहीं सकते, एड्रेनालिन को आप ओरली नहीं देंगे, क्योंकि एड्रेनालिन को अगर आप ओरली देंगे तो वो काम नहीं करेगा, तो ओरली नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो टूट जाता है जीआईटी के अंदर, ये एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता प्रॉपर, उससे पहले टूट जाता है, तो आप इसको ओरली नहीं देंगे। दूसरा क्या होगा, आईवी आईएम सबक्यूटेनियस। ठीक है, अगर कार्डियक अरेस्ट है, मतलब बिल्कुल ही डेथ हो गई है, लग रहा है कि बिल्कुल मर गया है, एंड आपको लग रहा है कि इसका अगर हमने हार्ट चालू करा दिया तो क्या हो सकता है, पेशेंट क्या कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, तो आप उसको सीपीआर देते देते क्या कर सकते हैं, एड्रेनालिन आईवी देते हैं। ठीक है, अगर शॉक के अंदर है, मतलब अगर सीजर्स आ रहे हैं, पूरा हाथ पैर मार रहा है बंदा, शॉक के अंदर जा रहा है धीरे धीरे, तो आप उसको क्या देते हैं, आईएम देते हैं, विच इज इन ह्यूमंस 0.5 mg। ठीक है, कैटल्स का मेरे को पता नहीं है, ह्यूमंस के अंदर 0.5 mg दिया जाता है। ओके, सो दिस इज योर आईएम, एंड सबक्यूटेनियसली भी आप दे सकते हैं इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, बट प्रेफर किया जाता है आईएम। ओके, सो आप जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है शॉक के अंदर आईवी नहीं देंगे, क्योंकि आईवी जो होता है बहुत जल्दी क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, एंड शॉक के अंदर क्या है, भी एनिमल अभी ये जिंदा है, मतलब अभी जो है कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, एंड हो सकता है कि ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स उसके अंदर दिखने लगे, एंड आप बचाने के चक्कर में उसको मार दें। सो आपको याद रखना है कि किस कंडीशन में कौन सा रूट फॉलो करना है। सो मैं बता रहा था कि आपका एड्रेनालिन क्या होता है, लाइफ सेविंग ड्रग है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपने इसको सही से यूज नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपका डेथ हो सकता है। सो आपको प्रॉपर इसका डोज पता होना चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर सो आपको इसको यूज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज सिंगल डोज थोड़ी सी डोज होती है भाई, 0.5 mg, मार भी सकती है, इससे ज्यादा हो गया तो बचा भी सकती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इसको यूज करिए या मत करिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कवर करा रहा था। सो नो इंटेंशन जो मैं आपको बोलूँ कि आप इसको यूज करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।